देखिए दोस्तों, मैं सरगावा के शिव मंदिर में आ चुका हूँ, जहाँ मुझे सूचना मिली थी यह नाग नागिन का जोड़ा एक साथ मिला गया है। स्टार्टिंग में तो मुझे बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन जब गांव वालों के थ्रू मैं यहाँ पहुँचा तो सच में मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं नाग नागिन के जोड़े को, जो आज शिवरात्रि के पावन दिन के अवसर पर मंदिर में दर्शन दिए हैं। देखिए, गांव वाले ये कहते हैं कि ये जो नाग नागिन के जोड़े हैं, ये हर शिवरात्रि को दर्शन दे ही देते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये नाग नागिन यहाँ शिवलिंग के पास है, और इन्हें कल शाम को कुछ लोगों ने मंदिर से थोड़ा सा दूर देखा था, और आज सुबह से लगभग इस मंदिर के कोने में ये थे। जब तक मैं आया तब तक ये मंदिर के मध्य में आ चुके थे। देखिए, ये आंटी जी ये बोलना चाह रही हैं कि ये नाग नागिन भूखे होंगे, इनको दूध पिलाया जाए, जबकि ये पूर्णतः अफवाह है। कोई भी सांप, नाग नागिन नहीं, कोई भी सांप दूध नहीं पीता, क्योंकि सपेरा जो रहते हैं, सपेरा इन्हें लेके घूमते हैं 2 से 3 महीने तक, और ये भूखे रहते हैं। भूखे रहने के पश्चात ये चाहते हैं कि पेट में कुछ भी जाए, और जो दूध रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और इन्हें पीना इजली रहता है, तो ये पी लेते हैं। और पीने के बाद में इनको प्रॉब्लम होती है, और वोमिटिंग होती है, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही है। देखिए, मंदिर के पुजारी यहाँ अपने पूजा पाठ रोक के देखने आ गए हैं। इस शुभ पावन अवसर पर आज शिवरात्रि के दिन नाग और नागिन दोनों के दर्शन हुए हमें। लगभग 1000 सांपों का रेस्क्यू करने के बाद ये मेरे लाइफ में पहली बार हुआ है कि मुझे ऐसा कंडीशन मिला कि नाग नागिन का जोड़ा एक साथ, वो भी शिव मंदिर में, वो भी शिवरात्रि के दिन मिला है दोस्तों। अब मैं इन्हें पकड़ कर डब्बे में डालने वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी देर से हैं ऐसे, और ये ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इन्हें कुछ नुकसान पहुँचाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ से भाग नहीं रहे हैं और अपने पोजिशन लिए हुए हैं। मैं आपको इनकी पहचान बता देता हूँ। जैसे कि जो नागिन रहेगी, नागिन मैक्सिमम गौवन कहा जाता है, गेहूं के कलर की होती है, और नाग काला कलर का रहता है, और नाग की तुलना में नागिन ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। देख सकते हो कि नागिन बार बार अटैक करी है, और नाग शांत अपना पोज लिए हुआ है। ये लगभग 4 फुट का नाग है, और नागिन की भी लंबाई सेम होगी, लेकिन नागिन की तुलना में नाग ज़्यादा बड़े होते हैं। ये देखिए, नागिन बार बार शंकर भगवान के शिवलिंग को डस रही है, वो सोच रही है कि वो एक और नाग है जो पीतल का बना हुआ है। वो चलिए दोस्तों, अब मैं इन्हें पकड़कर डब्बे में डाल दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ सर्वेश्वरी मसाले जी का यहाँ डेयरी फार्म भी है, तो मुझे दूध वाला डब्बा भी आसानी से मिल गया। अब आप देख सकते हैं नागिन का गुस्सा, जब मैं इन्हें पकड़ने आया हूँ तो ये मुझ पर बार बार अटैक कर रही हैं। नाग को असली समझ रहे हैं, उस कारण से भी नहीं आ रहे होंगे।
देखिए नागिन जी को मैं और ये दिखा हमें नाग का सुनहरा पोज, जो कि शंकर भगवान के शिवलिंग पे ऐसे पोज दिया है जैसे साक्षात शंकर भगवान के गले में लपटा हो। देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा ये देखने को हमें मिल रहा है। ये काला कलर का नाग जो शंकर भगवान के मुकुट की तरह पोजीशन लिए हुआ है। चलिए अब मैं इन्हें रेस्क्यू कर इस डब्बे में ले जाके अब इन्हें रिलीज कर दूंगा जंगल में कुछ दूर जाकर। देखिए इसे लग रहा है कि किसी ने मारने का कोशिश किया हुआ है। इसके नेक में भी चोट लगा है और इसका पूंछ कटा हुआ है, तभी ये इतना शांत बैठा हुआ था। चलिए अब मैं इसे डाल दे रहा हूँ डब्बे में। ढक्कन उसका कहाँ है? ढक्कन उस साइड है। विनोद जी उधर बाहर ढक्कन होगा, इधर दे दीजिए। ब्लड निकला क्या? इसका पूछ कटा हुआ था और पूछ से हल्का हल्का ब्लड आ रही थी, ब्लड है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा ब्लड की मात्रा है। दोस्तों लगभग लग मैं 1000 से अधिक सांपों की जान बचा चुका हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही मैं पूरे सरगुजा संभाग में जीवों की जान बचाना चाहता हूँ, तो आपका सपोर्ट मुझे मिले तो मैं और आगे बढ़ सकता हूँ।